देखो आईपीएल में ना कोई किसी का सगा नहीं है, क्योंकि एक ही गेम है जहां पर भाई बन जाता है भाई का दुश्मन। वेलकम, देखना शुरू कर चुके हैं आप स्कोर शोर एंड मोर। देखो भैया, राम और श्याम, राम बलराम, अमर अकबर एंथनी, बॉलीवुड ने कैसी कई सारी सगे भाइयों पर ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाकर धनाधन पैसे छापे हैं। लेकिन 2008 में बीसीसीआई ने जो आईपीएल नाम का ब्लॉकबस्टर चालू किया है ना, उसने भाई को भाई के सामने खड़ा करके एक नया रोमांच पैदा कर दिया है। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि हम बात करने जा रहे हैं आईपीएल में खेल चुके या खेल रहे तीन फेमस भाइयों की जोड़ियों की। तो चालू करें ब्रदर। तो आईपीएल में सबसे पहली भाई भाई की जो जोड़ी आमने सामने मैदान पर उतरी थी वो थी पठान ब्रदर्स की। बड़े भाई यूसुफ पठान ने राजस्थान और कोलकाता को आईपीएल चैंपियन बनने में अहम भूमिका निभाई। तो इरफान के हाथों में आईपीएल ट्रॉफी एक बार भी नहीं आई। पांच अलग अलग फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने के बाद भी इरफान का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। इंटरनेशनल क्रिकेट में भले ही इरफान ने कई धमाल कमाल प्रदर्शन किए हो, लेकिन लीग क्रिकेट में यूसुफ अपने छोटे भाई पर भारी साबित हुए। यूसुफ और इरफान की तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के दो भाई शॉन मार्श और मिशेल मार्श का भी आमना सामना इस लीग क्रिकेट में हुआ। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज शॉन मार्श का आईपीएल करियर पंजाब के साथ 2008 में शुरू हुआ। मिशेल मार्श ने आईपीएल का पहला मैच 2010 में खेला। शॉन मार्श जहां पंजाब की टीम के साथ ही जुड़े रहे हैं, मिशेल की बात करें तो दिल्ली से खेलने से पहले हैदराबाद और पुणे की टीम से भी खेल चुके हैं। पुणे की टीम में जब मिशेल मार्श शामिल हुए तो उनके कोच उनके पिता जॉफ मार्श थे। शॉन मार्श जहां प्योर बल्लेबाज के तौर पर पंजाब के लिए खेलते थे, वहीं मिशेल मार्श एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। वैसे तो आईपीएल में भाइयों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए आप आपको बताते हैं आईपीएल के सबसे कामयाब दो भाइयों के बारे में, जो 2016 से 2021 तक एक साथ एक ही टीम के लिए खेले, लेकिन फिर 2022 में अलग अलग टीमों का हिस्सा बने। जी हां, वो हैं हार्दिक पंड्या और कृणाल पंड्या। एक साथ खेलते हुए हार्दिक और कृणाल दोनों ने कई अहम मौकों पर अपनी पिछली टीम मुंबई को हार के मुंह से बचाया है, और कहीं ना कहीं इन दोनों को एक साथ टीम से रिलीज करना मुंबई के लिए 2022 में महंगा पड़ा है। खैर, किसी का लॉस तो किसी का गेन होता ही है ना बाबा, ये तो होता आया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपके मन में कोई भी राय है, कमेंट बॉक्स खुला है बिंदास लिख डालने का और ये लिखने का कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे हो। बाकी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, यहां पे बहुत ज्यादा मस्ती आपके लिए आती रहेगी। फिलहाल हम जाती रहेगी, जल्दी मिलते हैं आपसे क्रिको पे। याद रखना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।